मोहतरम स्वामी निगराम और स्टेज पर विराजमान उलमाए किराम और दूर दराज से सुनने वाले मेरे भाई जान और मेरे पर्दा नशीन माँ बहन, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस्लाह माशरा के नाम पर ये प्रोग्राम रखा गया है और हम देख रहे हैं कि शुरू ही से हमारे नौजवान और लोग दिल जमियाई के साथ इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान मजीद में है कि चार महीना जो है वो मुहतरम महीने हैं, जिसमें से एक महीना मुहर्रमुल हराम का भी है। ये महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से मुहतरम नहीं हुआ, बल्कि शुरू ही से ये महीना और ये तारीख यादगार के तौर पर मनाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले मक्का के सरदार लोग बैतुल्लाह का हज किया करते थे, खाना काबा गिलाफ को इसी मुहर्रम के दस्ताजे को उतार करके नया बदला जाता था, तो उनके यहाँ ये दिन पहले से ही बहुत ही अहमियत वाला दिन था। और अभी अभी आपने सुना कि इस दिन बहुत सारे वाकयात रूनमा हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तआला ने चार महीनों को मुहतरम करार दिया था। इस महीने में अरबों के दरमियान लड़ाई झगड़ा जितनी होती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस महीना में और चार चांद लग गया। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, उनके रुख्सत हो जाने के बाद, खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक मौका ऐसा आया कि कोई बात जब लिखा जाता था तो उसके लिए तारीख की जरूरत पड़ी। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ने आपसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम दूसरों के यहाँ जब जाते हैं तो तारीख के साथ कोई बात कही जाती है, कोई बात लिखी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई तारीख नहीं है जिससे ये नहीं पता चलता है कि ये बात कब कही गई, इसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। लिहाजा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया और इस मुहर्रम के महीने को साल का पहला महीना बनाया। उसके पीछे भी एक वजह थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके आए थे मदीना तो मुहर्रम की पहली तारीख, बहुत सोच विचार करके ये बनाया गया कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे हैं वो महीना मुहर्रम का, उसी को पहला महीना पहली तारीख मानी जाए और उसी दिन से हिजरी तारीख शुरू हुआ। इस्लाम में जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी महीनों को फराटे से जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, उसी तरह से इस्लामी महीना भी है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, इसको भी जानना चाहिए, इसको भी अपने बच्चों को याद कराना चाहिए। इसलिए इस महीनों से हमारी यादें वाबस्ता है। मेरे भाई, सबसे पहले हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम जहां भी रहे, जिस जगह भी रहे, हमें हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल को हमेशा याद रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमको बताई उस बातों पे हमको अमल करना होगा। ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो यहूदियों को देखा था रोजा रखते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था यहूदियों से कि कैसा रोजा है। यहूदियों ने कहा था कि अल्लाह ताला ने
मूसा अलैहिस्सलाम को आज ही के दिन फिरौन से निजात दिया था, जिसके नतीजे में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था। लिहाजा हम भी उसी शुक्राने में रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहैसियत नबी होने के मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब है, तुम एक रोजा रखते हो, अगर हम जिंदा रहेंगे तो दो रोजा रखते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा तमाम मुसलमान जो है उसी दिन से इस सुन्नत पर अमल करते हैं। आप सब तमाम रोजों में रमजान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजा जो है ये आशूरा का रोजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रोजा 9-10 रखे, 10-11 रखे, बहुत इसमें सवाब एक साल का गुनाह माफ करने के बारे में आता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन बातों को गौर करना चाहिए और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लाए थे उस पर अमल करना चाहिए। मुहर्रम का महीना कहीं पर ये खुशी के तौर पर मनाया जाता है, कहीं पर जो है गमी के तौर पर मनाया जाता है। हम लोगों को इसके बारे में गौर और फिक्र करना होगा। हमारे माशरा में, हमारे माहौल में जो चीज के बारे में लोग कहते हैं मुहर्रम किस चीजों से याद किया जाता है, हमारे असलाफ ने इनके बारे में कोई बात नहीं बयान किया। लिहाजा हमें चाहिए जिस तरह से और महीने मनाते हैं उसी तरह इस महीने को भी मनाए। अलबत्ता अशर अरबात अशर की वजह से इसका ज्यादा एहतराम किया जाता है, उसको ख्याल रखे। अगर हम ऐसा कराएंगे तो सही रहेगा। मक्का मुकर्रमा में